ही हमने आपका ये जो पूरा सिस्टम है बायो का वो रेडी किया, उसका पूरा मैटर। तो हम उसमें भी हम क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन पढ़ा है हमने, एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, उनके जो क्लासिफिकेशन, हर एक फाइलम के अंदर एनिमल्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया है उसके बारे में हमने पढ़ा है, और उसके अंदर जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनके क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज रखते हैं, हाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमारे फाइलम्स जो थे वो चल रहे थे, उसके अंदर हमने जो एस्केलमेंथीज होते हैं यानी कि मेन फाइलम कौन सा, जो निमेटोड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, उनका जनरल करेक्टर हम पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं उनका क्लासिफिकेशन, कि उनको आगे कैसे कैसे क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड किया गया है और किस बेसिस पे किया गया है और उसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोडा, क्योंकि जो हम एस्केलमेंथीज बताया था वो एस्केलमेंथीज का सुपर फाइलम के रूप में रखा गया है। और एस्केलमेंथीज किसने दिया था नाम, उसको ग्रोपन ने दिया था, जबकि इसका दूसरा नाम उन्होंने बताया था निमे हेलमेंथीज, वो गेगेनबार ने दिया था। इसलिए इनको हम क्या बोलते थे, सूत्रकर्मी। और उसी में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, मेन फाइलम जो निमेटोड्स है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके जनरल करेक्टर्स हो चुके थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए इसको दो क्लास में बांटा गया है, दो क्लास के अंदर इसको क्या बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इसको बांटने का बेस क्या है, इसको किस बेस पे बांटा गया। देखिए हमने इसके करेक्टर्स आपको बताए थे, तभी इसके अंदर बताया था कि सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और उन सेंसरी ऑर्गन्स को क्या नाम दिया था, फेजमिड। और इसके अंदर ये जो बेस होता है इनका, इसे फेजमिड के बेसिस पे इसको दो भागों में बांटा गया है। किसको, ये जो निमेटोड्स होते हैं इनको दो क्लास के अंदर बांटा गया है, किसके बेस पे, आधार क्या है, ये फेजमिड है। तो नेक्स्ट हम इसके क्लासेस के बारे में देखते हैं। इसकी फर्स्ट क्लास आती है फेजमिड, फेजमीडिया है। सेकंड आती है एफेजमीडिया, फेजमीडिया और एफेजमीडिया। अब देखिए इसके अंदर ये जो फेजमीडिया, डायरेक्ट से बात है, बिल्कुल सीधा दिख रहा है, बेस क्या था, फेजमिड था। नाम दोनों का क्या हो गया, फेजमीडिया और एफेजमीडिया। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फेजमीडिया के बारे में। फेज मीडिया है तो सीधी सी बात है क्या प्रेजेंट होंगे, फेजमिड प्रेजेंट होंगे। फेजमिड इसके अंदर प्रेजेंट है, और कितने हैं वो भी, एक जोड़ी, एक जोड़ी फेजमिड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, फेज मीडिया दिया गया। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो हम छोटे क्लासेस है अपने, मेनली जो इलेवेंथ में बायो शुरू हो जाता है वहीं से इन एनिमल्स के बारे में शुरू होता है पार्ट। तो सबसे पहले कौन सा था, एस्केरिस। इसके अलावा देखिए लोवा, लोवा ये भी इसी के अंदर इंक्लूड है, उसके अंदर भी फेजमिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे ड्रेकनक्यूलस है, ट्राइक्यूरिस है, ये सारे इस फेजमीडिया के अंदर ही आते हैं। अब जो ड्रेकनक्यूलस होता है इसको गिनीकर्मी भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ड्रेकनक्यूलस को। इसके अलावा इसके और एग्जांपल आते हैं एंटेरोबियस, इसको पिनक्रमी बोलते हैं। ये किसके एग्जांपल से, ये जो फेजमीडिया क्लासेस की उसके हैं। तो इससे इसमें एस्केरिस है, लोवा लोवा है, ड्रेकनक्यूलस है, एंटेरोबियस है, इसके वजह से ट्राइक्यूरिस भी इसी में होता है। ये सारे किसके अंदर प्रेजेंट हैं, इस फेज मीडिया के अंदर। तो ये तो हो गया इसकी फर्स्ट क्लास कौन सी, फेज मीडिया। अब सेकंड आती है एफेज मीडिया, तो देखिए
ये जो एफ एज मेड़े होता है इसके अंदर, एफ एज मेड़े इसके अंदर क्या हमने इसका बेस क्या देखा, फेजमिड देखा, और फर्स्ट हमने पढ़ा फेज मीडिया, तो उसके अंदर क्या था, फेजमिड प्रेजेंट थे। नाम क्या है इसका, एफ एज मीडिया, मीन्स फेजमिड एबसेंट होंगे। फेजमिड इसके अंदर एबसेंट होंगे, यानी इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो फेजमिड है उसके अंदर सेंसरी ऑर्गन फेजमिड प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं वो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो एनोप्लस होता है उसको इसमें रखा गया है, क्योंकि जनरली इनका करेक्टर्स के बारे में बताया था कि इसके बॉडी का अग्र पार्ट होगा, उसके अंदर माउथ प्रेजेंट होगा, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, और एक जोड़ी फेजमिड प्रेजेंट होंगे। वो किसके अंदर प्रेजेंट है, इस फेज मीडिया के अंदर प्रेजेंट है, जबकि जो एफेज मीडिया है इसके अंदर ये एबसेंट होते हैं। तो फर्स्ट तो कौन सा हो गया, एनोप्लस। अगला आता है इसका डेमोस्कोलेक्स। डेमोस्कोलेक्स किसके अंदर है, एफेज मीडिया क्लास में है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी एबसेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है इसका ट्राइबोलस। ये एनिमल्स इसके अंदर रखे गए हैं किसके अंदर, एफेज मीडिया के अंदर। जब हमने आपको उसके करेक्टर्स के बारे में बताया था, उस टाइम बताया था कि जो निमेटोड्स होते हैं इनके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, बट क्या है, जनरल इनके अंदर स्पष्ट सिर का अभाव होता है, और जो फेजमिड है उसी के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाइड किया है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन सीधा, यहाँ पे फेज मीडिया है, एफेज मीडिया है, इसके अंदर डिफरेंस आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे मेन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है इसके एग्जांपल्स में, क्योंकि यहाँ से सीधा नहीं पूछता है वो, यहाँ से ऐसे एस्केरिस है, लोवा लोवा है, ड्रैगन क्यूलेस है, या फिर देखिए गिनी कृमि किसको बोल रहे हैं, गिनी कृमि ड्रैगन क्यूलेस को बोल रहे हैं। इसके अलावा देखिए जो एंटेरोबियस होता है वो निमेटोड के या फिर कौन से फाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है, फाइलम के अलावा उस फाइलम की कौन सी क्लास में प्रेजेंट होता है, डेमोस्कोलेक्स है वो कौन सी क्लास में प्रेजेंट है, या फिर डेमोस्कोलेक्स कौन से फाइलम का एनिमल है, इस तरीके से जनरली यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये था जो निमेटोड्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, उनके अंदर कौन कौन सी क्लास होती है, और इन क्लासेस में कौन कौन से एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है, और क्या क्या उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिसिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।